ये कोई एस्ट्रोलॉजी का बात यहाँ हो रहा है। अभी पहले चुनाव होने दीजिए, चुनाव में जीत हो जाएगी तब ये प्रश्न बनता है। अखिलेश जी भी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो अखिलेश जी आपको चाहेंगे। अखिलेश जी के भी लीडर हैं राहुल गांधी, खड़गे साहब, तो किसको चाहेंगे? गांधी जी से तो तुलना किसी का नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जी बहुत बड़े शख्सियत थे। कहाँ गांधी जी, कहाँ हम लोग, कहाँ कौन, कहाँ ऐसा आदमी पैदा हुआ दुनिया में गांधी जी के। ये तो अभी पहले चुनाव हो जाए, इंडिया गठबंधन आ जाए। इंडिया गठबंधन में एक से एक परिपक्व नेता हैं, सब मिलजुल के इसका फैसला कर रहे हैं। कोई कठिनाई नहीं। जो अब ये कोई एस्ट्रोलॉजी का बात यहाँ हो रहा है, अभी पहले चुनाव होने दीजिए, चुनाव में जीत हो जाएगी तब ये प्रश्न बनता है। अभी ये काल्पनिक प्रश्न है। नहीं, सभी दल के लोग हैं, इसी दल के हैं जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी होंगे, ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव के पहले। हर पार्टी में जो लीडर होता है और उस पार्टी में जो वर्कर होता है वो अपने लीडर को चाहता है, इसमें कौन नई बात है। अखिलेश जी भी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो अखिलेश जी आपको चाहेंगे। अखिलेश जी के भी लीडर हैं राहुल गांधी, खड़गे साहब, तो किसको चाहेंगे? आप किसको चाहेंगे? राहुल गांधी। मेरे चाहने से इसमें कुछ नहीं होना है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये प्रश्न ही काल्पनिक है। चुनाव के बाद, परिणाम के बाद जो स्थिति बनेगी उसके बाद लोग फैसला कर लेंगे। अब गांधी जी से तो तुलना किसी का नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जी बहुत बड़े शख्सियत थे, लेकिन गांधी जी के रास्ते पर जो लोग चलने वाले हैं और जो जिस पार्टी का वर्कर है वो अगर तुलना करता है तो कर सकता है, लेकिन कहाँ गांधी जी, कहाँ हम लोग, कहाँ कौन। महात्मा गांधी पूरे दुनिया में बिना कोई हथियार के, बिना किसी को डरा के अपना सत्य अहिंसा पर जो उन्होंने काम किया, अफ्रीका में, इंडिया में या पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल एक्सेप्ट। अभी भी मैनचेस्टर शहर में मैं कहीं पढ़ रहा था कि वहाँ पे वायलेंस हो रहा था, तो वहाँ के मेयर साहब ने गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगा दी कि लोग गांधी जी को देख के आंदोलन अपना समाप्त करें। तो कहाँ ऐसा आदमी पैदा हुआ दुनिया में गांधी जी।